कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, मगर वक्त ही मेरा जख्म है। वक्त ने मुझे पता नहीं क्या बना दिया, वरना मैं भी कभी इंसान था। बाला, बालाजीत रॉय, टेबल फॉर थ्री प्लीज। सॉरी सर, यू डोंट हैव रिजर्वेशन। आर यू मैरिड? नो। तुम्हारी शादी नहीं हुई ना? मेरी शादी हुई है। ये अपनी पहली एनिवर्सरी है। जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, वो आदमी अपनी पहली एनिवर्सरी पे टेबल बुक कैसे नहीं कर सकता है? करेक्ट करेक्ट, ही इज करेक्ट। जॉय, जॉय फर्नांडिस, माय बेस्ट फ्रेंड। एंड दिस इज निशा भाभी। आई विल टेल यू, इसने मेरे दोस्त से शादी करके बहुत बड़ी मिस्टेक की है। खैर, शादी तो सही, मैं अफेयर तो करने वाला हूँ इसके साथ। एंड डोंट वरी, माय फ्रेंड इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग। सी मिस्टर बाला, कैन आई हैव एन अफेयर विद योर बाली? यस। सॉरी सर, आई विल हैव टू आस्क द मैनेजर। मैनेजर? व्हाई आस्क द मैनेजर? व्हेन आई गॉट मैरिड डिड आई आस्क द मैनेजर? तो टेबल बुक करने के लिए मैं मैनेजर से क्यों पूछूं? आई नो, मेरे दोस्त ने रिजर्वेशन किया था। तूने किया था ना? एक्सक्यूज मी, एनिवर्सरी तेरी है, करेक्ट? करेक्ट। ये बीवी फिलहाल तो तेरी है, करेक्ट? करेक्ट। तो रिजर्वेशन मैं क्यों करूं? करेक्ट। देखो, आप दोनों अभी ये सब बंद कीजिए। लेट्स गो फ्रॉम हियर टू अनदर प्लेस, अदरवाइज आई एम लीविंग। नो नो, वी आर ट्राइंग आवर फंगर, सो वी विल डू समथिंग। यू प्लीज कॉल द मैनेजर। व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम जेंटलमैन? दे डोंट हैव रिजर्वेशन सर। बैंकॉक में अफेयर करने के लिए रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? अरे लेकिन टेबल के लिए रिजर्वेशन की जरूरत है। पर मेरे को अफेयर करने का है तो रिजर्वेशन मेरे को नहीं करने का है। लेट्स आस्क द मैनेजर। मैनेजर इज नॉट टॉकिंग ऑन मी। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। प्लीज गिव देम द टेबल और आई विल सिट ऑन अ चेयर। फॉलो मी प्लीज। थैंक यू। उस गधे पे लगा सचमुच अपन पिए हुए हैं। आप लोगों ने ना आज बिल्कुल हद कर दी, रियली। जान, इसको पूछो, स्कूल में ना मैं बहुत अच्छा एक्टर था। अच्छा? हाँ हाँ, बनना तो इसे एक्टर ही था, गलती से ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। वो शाहरुख खान लकी है, वरना अगर ये फिल्मों में आता तो शाहरुख खान की आउट। साले, मैं बैंकॉक आया हूँ और आज तू बॉम्बे जा रहा है? अरे भाई की शादी है। भाई की शादी है, तेरी तो नहीं। अरे मगर ऐसे। अरे सुन तो सही, भाई मजबूरी से बनता है और दोस्त मर्जी से। अब कौन बड़ा तू बता, मजबूरी या मर्जी? सुना, बनना तो सर राइटर ही था, आ गया इधर सॉफ्टवेयर में। जावेद अख्तर लकी, ये फिल्मों में आता तो जावेद अख्तर साहब। अच्छा, आप लोग का फ्लैशबैक खत्म हो गया तो कुछ खाने को ऑर्डर करें, आई एम वेरी हंग्री। श्योर जान। हाँ हाँ, बनना तो इसे कुक था। एक मिनट एक मिनट, आज मेरी एनिवर्सरी है यार, जरा प्यार भरी बातें तो करने दे। प्यार भरी बातें तू कर, मैं प्यार कर लूंगा। अबे शर्म नहीं आती तेरे को? शर्म आती है, ये मुंह देखकर भाग जाती है। भाभी माँ बराबर होती है, समझा? ऐसा मत बोल, मेरे डैड को पता चला तो उसकी नीयत खराब हो जाएगी। आप लोग किस किस्म के दोस्त हैं ना, मुझे कभी समझ नहीं आया। हमें का समझ में आया? अरे समझा ना यार। मेरे फोन ना यार। अरे सॉरी। दिस इज नॉट फेयर। हाँ बाला, तेरे पास साले इतना खूबसूरत घर है, मेरे जैसा खूबसूरत और प्यार करने वाला दोस्त है, इतनी खूबसूरत और प्यार करने वाली बीवी है, मेरे पास क्या है? इधर आ, तेरी फूटी किस्मत। यार काश मेरी कंपनी ना मुझे इंडिया में मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप करने देती। मेरे को एक बात बता, ये सॉफ्टवेयर से सचमुच सब पोस्ट ऑफिस को ताले लग जाएंगे? अरे इसीलिए तो इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन उनकी एक शर्त है कि मैं उनके बैंकॉक के ऑफिस से ही काम करूं। बहुत पैसा मिलेगा, यानी वो अंबानी बिम्बानी के पास रहता है उतना? अंबानी से भी ज्यादा। वो कैसे? क्योंकि अंबानी के पास तेरे जैसा दोस्त नहीं। साले चढ़ा चढ़ा मेरे को। लेकिन तू कितना भी इमोशनल ब्लैकमेल कर, तेरी बीवी के साथ अफेयर जरूर कर। हाँ, याद है ना वो स्कूल की लड़की? हाँ, मुझे अच्छी लगने की और तूने। जॉय, तुम्हारी टैक्सी आ गई है, जल्दी करो वरना फ्लाइट छूट जाएगी। वन मिनट। एक बात बता यार बाली मेरे को, ये बीवियां जो रहती है ना, वो दो मर्दों की दोस्ती से जलती क्यों है इतनी? तू शादी करेगा ना तब पता चलेगा। वो तो करने वाले था, तूने पहले हाथ मार दिया। हाँ देख कितनी ब्यूटीफुल है। मैं भी जाऊंगा 4 घंटा फ्लाइट में, देखता हूँ कोई एयरहोस्टेस है क्या नसीब में। तू इधर ऐश कर। ऐश कर, यहाँ बिस्तर का ठिकाना नहीं,
और तू बोलता है ऐश कर। फ्लोरिंग है ना ग्रेनाइट टॉप। अरे मैट्रेस भी तो चाहिए ना, यहाँ पर तो तौलिए तक का ठिकाना नहीं है। सोफे से लेकर चम्मच तक सब कुछ खरीदना है। एक हफ्ता तो हमें शॉपिंग करने में और घर सजाने में ही लग जाएगा। शॉपिंग की नहीं तुमने? तू करने वाला था ना। मैं? तू यहाँ होता तो शॉपिंग तू करता और मैं अपनी बीवी के साथ ऐश करता। हाँ। जला जला तू साले। मुझे लगता है मेरे जलने से एयरक्राफ्ट भी क्रैश हो जाएगा। अरे तेरे छोटे मोटे पापी की वजह से कोई एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं होने वाला। चलो निकलना होगा, एनिवर्सरी को बुलाया, डिवोर्स पर भी बुला लेना। हाँ, फिर देखता हूँ मैं। चले। इसको चलो ठीक है बाद में इधर जा घंटी मार फिर मैं देखता हूँ। हेलो मैं स्पीक टू डॉक्टर चड्डा प्लीज। डॉक्टर चड्डा दिस इज निशा रॉय हियर। आई वाज कॉलिंग रिगार्डिंग माय प्रेगनेंसी टेस्ट। हाय निशा, यू विल बी हैप्पी टू नो तुम्हारा टेस्ट पॉजिटिव है एंड आई एम श्योर तुम्हारे पति को भी बहुत खुशी होगी। कांग्रेचुलेशंस। ऑफ कोर्स डॉक्टर, आई मस्ट गो एंड टेल हिम द न्यूज नाउ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बंद रखोगे मुझे? अरे तीन महीने हो गए भाई साहब, प्लीज बताइए ना मेरा कसूर क्या है, बताइए तो सही। अरे क्या किया मैंने भाई साहब? अरे मुझे तो सही क्या किया मैंने भाई साहब? प्लीज भाई साहब, प्लीज भाई साहब, भाई साहब पक्की आग तेरे वाटर की। अरे दम है तो अंदर आ, अंदर आ। यू वांट टू फाइट, यू कम इनसाइड फाइट। काट के रख दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा भाई साहब, प्लीज भाई साहब। ओके 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 ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी भाई साहब। मैं सीधा साधा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ भाई साहब, कभी किसी से झगड़ा भी नहीं किया। प्लीज भाई साहब लिसन टू मी, भाई साहब प्लीज, क्या चाहिए आपको? आप बोलिए तो सही। हाँ आपको मेरा सॉफ्टवेयर चाहिए, दे दूंगा भाई साहब, दे दूंगा। प्लीज लेकिन प्लीज प्लीज मुझे बंद नहीं कीजिए भाई साहब, प्लीज 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 ओपन द डोर भाई साहब, प्लीज भाई साहब प्लीज ओपन द डोर। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, जैसे है खाना। ओपन द डोर, ओपन द डोर प्लीज, दरवाजा खोल प्लीज, दरवाजा खोल प्लीज। ओपन द डोर। अगर मुझे तब बताया होता कि मुझे 14 साल इस कमरे में बंद रखेंगे तो क्या मेरा दर्द कम हो जाता या बढ़ जाता? Forget!
रेड सर्कल। बुद्धिज्म में कहते हैं कि जब दो लोगों की किस्मत में मिलना लिखा रहता है तो वो जिस जगह मिलते हैं उसे रेड सर्कल कहते हैं। क्या तू मुझे वही बताना चाहता है? मैं इंतजार कर रहा हूं। जब भी यह धुन बजती है कमरे में वैल्यूम गैस छोड़ दिया जाता है। ये वही गैस है जो खतरनाक मुजरिमों को काबू में करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं बेहोश हो जाता हूं तो कोई आकर बाल काट जाता है, कमरा साफ कर जाता है, कपड़े बदल दिए जाते हैं। अकेली रहती थी। उसका पति बालाजीत रॉय एक साल से लापता था। कल रात वो अचानक घर वापस लौटा। पति पत्नी में झगड़ा हुआ और बालाजीत रॉय अपनी पत्नी का कत्ल करके फरार हो गया। बैंकॉक पुलिस का कहना है कि महिला के कपड़ों पर जो खून के दाग मिले हैं वो बालाजीत रॉय के ब्लड ग्रुप से मिलते हैं और एक ग्लास पर जो उंगलियों के निशान है वो भी बालाजीत रॉय की उंगलियों के ही है। बैंकॉक पुलिस पूरी सरगर्मी से बालाजीत रॉय को तलाश कर रही है। मेरी सजा जारी है, मेरा जुर्म सलामत है और मुझे जिंदा रखा जा रहा है। तू मुझे जिंदा रखना चाहता है क्योंकि तू भी मुझसे मिलना चाहता है। पर मेरी सोच तुम्हारे कब्जे में नहीं है, मेरी याददाश्त तुम्हारे कब्जे में नहीं है। मैं याद करूंगा हर उस नाम को जिससे मेरा कभी कोई रिश्ता था, हर वो इंसान जिसके साथ मैंने कुछ भी बुरा किया हो, कुछ भी। और मेरा दर्द वो भी तुम्हारे कब्जे में नहीं है।
दर से खींची हर लकीर मुझे याद दिलाएगी इस वक्त की। एक साल के लिए एक लकीर। सिर्फ इंतजार नहीं करूंगा, खुद को तैयार करूंगा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। I have survived. I will escape and destroy you. पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना की जासूस जुटी है। हवाई हमले आज लगातार 14 दिन भी जारी रहे। बाहर बारिश का पानी, आजादी की आवाज। आई विल गेट माई फ्रीडम। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसते विमान को कैद किया। उस समय मंगलवार की सुबह के 8:42 हुए थे। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दूसरा टावर भी मिट्टी में मिल गया। सद्दाम की हुकूमत की हर निशानी को मिटाने की होड़ सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 3 सालों में सब कुछ थम गया। ना धुन आई, ना गैस आई, ना बेहोशी। किसी ने मेरे बाल भी नहीं काटे, किसी ने मेरा कमरा साफ भी नहीं किया। पर मैं तैयार हूं तेरे लिए। जिस दिन तू मेरे सामने आएगा, I will destroy you. Thank you.
14 साल बाद इस बैंकॉक शहर को पहचानना मुश्किल हो रहा है, तो फिर उसको कैसे पहचानूंगा? कहां ढूंढूंगा उसे? कैसे दिखता होगा? कौन है वो? मैं शहर की औरतों को इन गुंडों से बचाने नहीं आया, मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि टीवी से सीखी हुई मेरी ट्रेनिंग कुछ काम की है या नहीं। साल मुझे बंद करके इस तरह रिहा क्यों किया तूने? रिहा नहीं, ट्रांसफर किया है एक छोटी जेल से बड़ी जेल में। ये शहर भी तो तुम्हारे लिए एक जेल ही है ना बाला, इसे छोड़कर कहाँ जा सकते हो? कौन है तू? ऐसा क्यों किया? 14 साल जो मैंने तुम्हारे साथ किया है वो करने के लिए इंसान को या तो पागल होना चाहिए या बहुत नफरत होनी चाहिए। अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो जिंदा क्यों रखा तुमने? मार क्यों नहीं दिया मुझे? कौन हो तुम? मैट, परेश गिलानी, इमरान हफीज, समीर हफीज, कौन हो तुम? मैं तुम पर रिसर्च कर रहा हूं। मैं क्या हूं वो तुम्हारे लिए जानना इतना जरूरी नहीं जितना ये जानना कि क्यों, नॉट हु बट वाई। जरा सोचो बाला, गौर से सोचो, अपनी जिंदगी की किताब को गौर से पढ़ो। स्कूल का पीरियड खत्म हो गया है, अब होमवर्क का समय है। वैसे तुम्हारा स्टेक ठंडा हो रहा है। Sanders Road. No English? Sanders Road. Near Jetty. Jetty. Sanders Road. Near the Jetty. अरे बाबूजी, देसी हो, देसी गाड़ी में आके बैठ जाओ। उस नूडल फूडल के चक्कर में मत फंसो। घुमाएगा फिराएगा, डेस्टिनेशन तक भी नहीं पहुंचाएगा। बिल लंबा बनाएगा वो अलग। आ जाओ बैठ जाओ, वसीब पहुंचा देंगे। कहाँ जाना है? 486 Sanders Road, JT के पास। Thank you.
वैसे सर जी, आपने वो क्वेश्चन नहीं पूछा जो सभी देसी जेनी सिंह के टैक्सी में बैठते ही पूछते हैं कि औरत होकर तुम टैक्सी चलाती हो, वो भी बैंकॉक में। वैसे सर जी, पूरी बैंकॉक का मैप मेरे हत्थ के पीछे है, इसलिए क्योंकि पापा जी मेरे टूरिस्ट बस ड्राइवर थे, और जितना वक्त मैं घर में नहीं बैठती थी उससे ज्यादा मैं बस में बैठती थी, इसलिए क्योंकि मम्मी जी बोलने से पहले मम्मी जी चली गई गॉड के लिए पराठे बनाने। अब गॉन तो गॉन, रह गई जेनी सिंह और पापा। पापा जी ने बस सर्विस से रिजाइन कर लिया और ये टैक्सी ले ली। लेकिन आपको तो पता है बाबूजी, केले और ट्रेजेडी कभी सिंगल में नहीं आते, वो भी चले गए ऊपर वाले की टैक्सी चलाने। रह गई ये टैक्सी और हमारा एंटीक हाउस, खाउपेन में सबसे खूबसूरत घर, प्लॉट नंबर 62, बिलोंगिंग टू जेनी सिंह सर जी। लगता है आप काफी साइलेंट टाइप के हो। कहाँ जाना है सर जी? तुम दिन भर में कितना कमा लेती हो? आप इनकम टैक्स से तो नहीं हो? टिप छोड़कर 3,000, 3 अच्छा हो तो 5। ये लो 10,000, आज मुझे पूरा बैंकॉक घूमना है। अरे इतने में मैं तो आपको पूरा थाईलैंड घुमा दूंगी। फ्राइड वॉन्टन्स कहाँ मिलेंगे? चाइना टाउन। चलिए पड़ती हैं मेरी आंखें। कोई नहीं है, कोई भी नहीं जो बतलाए मैं कितनी देर उजालों की राह देखूंगा। कोई नहीं है, कोई भी नहीं, ना पास ना दूर, एक यार है दिल की धड़कन
अपनी चाहत का जो ऐलान किए जाती है, जिंदगी है जो जिए जाती है, खून के घूंट पिए जाती है, ख्वाब कांटों से सिए जाते हैं। हेलो, अब ना कोई पास है फिर भी एहसास है स्याहियों में। स्टॉप, बस अब और कितने रेस्टोरेंट्स में जाओगे तुम, आखिर क्या चाहते हो? एक आस है यादों का जंगल ये दिल कांटों से जल थल ये दिल। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। चुपते कांटे यादों के दामन से चुनता हूँ। ของคุณได้แล้วครับผมเฮียฝากอะไรครับเนี่ยนะยกมือขอฝากของไว้ที่พูดกาดีเมนต์ซาร์ครับटैक्सी ले लो, नहीं तो चेरी सिंह जेल के अंदर और टैक्सी का मालिक वाही गुरु। शट अप एंड ड्राइव। कहाँ? जहाँ कोई ना हो। इसको पूछ
किसके लिए काम करता है और कहां? कुनम न्यान कब खाए मैलू अब पूछो बोलने को तैयार है काटे हो चो चाइना ठाओ तुम गाड़ी में बैठो तुम जा सकती हो हमेशा जगह रहती है सर या नहीं रही बॉडीगार्ड का केस हम लोग हैंडल नहीं करते अदरवाइज आपके केस को जहां से उठाना हो उठवा लेंगे जब तक यहां रखना हो रख लेंगे नहीं टाइम की कोई पाबंदी नहीं है सर एक आदमी को तो हमने 14 साल तक यही रखा था हाँ अलग अलग सर्विसेज का एक्स्ट्रा लगेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके केस को हम रोज टॉर्चर करें तो उसका एक्स्ट्रा होगा या डेज में भी आपको बता दूंगा जैसे भी आप चाहें इंस्टॉलमेंट में या पूरा बॉडी यू नो हाउएवर यू वांट या बाय ओके क्यों किया धंधा है नथिंग पर्सनल किसने करवाया कॉन्फिडेंशियल कौन कराता है क्यों कराता है हमें कुछ मालूम नहीं हम तो बस अपना काम करते हैं Fire!
प्लॉट नंबर 62। अपना ख्याल रखना बाला। लुक मिस्टर, योर ट्रबल, ओके? मेरी गाड़ी में ट्रबल, चाइना टाउन में ट्रबल, और मेरे घर में भी ट्रबल। तुम जाओ यहाँ से। देखो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। रियली ये सब तुम्हारे साथ हुआ था? कल रात तुम्हारी तबीयत काफी खराब थी, तुम बेहोश हो गए थे और मैं परेशान। फिर डॉक्टर को बुलाया, उन्हें तुम्हारी पीठ में टाके लगाए और वो दवाइयां दिए तुम्हारे लिए। आप उसे मरवा क्यों नहीं देते? उसका जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी। जैसे आप बोले सर, क्लाइंट की मर्जी है, हमारा हुक्म। जिंदा तो जिंदा, लेकिन इतने दिन जिंदा रखने से वो पागल भी हो सकता है। नहीं, उसे पागल नहीं होना चाहिए। उसकी ट्रिक में दवा डालो और उसे होश में रखो। पर सर, उस आदमी को कब तक बंद रखना है? उसे 14 साल के लिए बंद रखो। 14 साल? आज तक हमने किसी को इतने दिन तक नहीं रखा। आप नाराज ना हो तो एक बात पूछ सकता हूँ सर, उसका कसूर क्या है? बालाजी रॉय का कसूर है कि उसे अपने जबान पर काबू नहीं। वो मरेगा नहीं और जिएगा भी नहीं। दिन में दो वक्त खाना, फुली मॉनिटर रूम, वो मुझे जिंदा चाहिए। ओके सर। हेलो। हमारा रिश्ता बहुत पुराना है बाला। जिस
लम्हे के लिए मैंने और तुमने 14 साल इंतजार किया, वो लम्हा करीब है मगर अब तक आया नहीं। फिलहाल मेरे करीब आने के लिए मैं तुम्हें एक और सुराग देता हूं, जूसी रंगसिद्ध। ये टूसी रंगसेट कहाँ है? वो तो पेचपुरी क्लॉन का पुराना नाम है, लेकिन वहां सिर्फ बोट से जा सकते हो। अजीत रॉय मेरा खास मेहमान है, पैसे की फिक्र मत करना, ऐसे मेहमान रोज रोज नहीं आते, उसे पूरी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। उसकी ड्रिंक में दवा मिला देना, वो पागल ना हो पाए और मरने भी ना पाए। बालाजीत रॉय मुझे जिंदा चाहिए, आई वॉन्ट हिम अलाइव। ना मुझे दास्तान सुनाने का वक्त है ना सुबहाने का, मुझे ये आदमी चाहिए। यह आवाज पहचानता है? नहीं, मगर कौन हो सकता है जो तुझसे इतनी नफरत करता है? सवाल यह है कि उसे तेरे घर का पता कैसे चला? उसी से पूछ लो। हेलो, 14 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात कैसे रही जॉय फर्नांडिस? तुझे मेरे घर का पता कैसे मालूम हुआ? घर का पता तो मामूली चीज है जॉय फर्नांडिस, तुम्हारा ब्लड ग्रुप, तुम्हारा डीएनए, पिछले 14 सालों में तुमने कितने स्नूकर के गेम्स जीते हैं, मुझे सब मालूम है। लिसन यू, मैं ये नंबर ट्रेस कर सकता हूँ। कैसे कर सकता है? ये तो प्राइवेट नंबर है, मेरे कॉन्टेक्ट है, मगर उससे पहले उस टैक्सी वाले से कुछ पूछना होगा। औरत है तो रहम की उम्मीद मत करना, पता कौन है वो? मैं कुछ नहीं जानती। नाम, कहाँ रहता है? मैं किसी को नहीं जानती। नहीं जानती है तो उसे तेरे घर का पता कैसे चला? उसने टैक्सी वाले को यहाँ कैसे भेजा? उसे खुद पूछ लो ना, उसका फोन तुम्हारे पास है।
हेलो बाला, मैंने उसे ट्रेस कर लिया। चीनी के सामने वाला घर है उसका। So here we are. आमने सामने, फेस टू फेस। 14 साल मैंने और तुमने इस लम्हे का इंतजार किया, इसलिए कि इसके पहले कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं, शायद तुम मुझे, हमें इस लम्हे का पूरा मजा लेना चाहिए, है ना? कौन हो तुम? I am what you made me, बाला। तुमने मुझे बनाया और मैंने तुम्हें। वैसे इन 14 सालों में बनाया तो मैंने एक बिजनेस एम्पायर भी, मगर उससे ज्यादा मुझे अपने बनाए इस दरिंदे पर फख्र है। टू मेक मी प्राउड बाला, टू मेक मनी इज इजी, बट टू मेक अ मॉन्स्टर इज द वर्क ऑफ अ जीनियस। मैनर्स बॉयज, मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते, तौर पे जब वो सिर्फ 4 दिन का मेहमान हो। लेकिन तेरे पास 1 दिन भी नहीं। Come on, बाला, can you really kill me? जब तक तुम्हें ये जवाब नहीं मिलता कि मैंने तुम्हें 14 साल तक कैद क्यों रखा और उसके बाद रिहा क्यों किया, जवाब जानने के लिए तुम्हारे पास 5 जुलाई तक का समय है, यानी 4 दिन। कुर्सी दो। पहले मैं तुम्हारी हर प्यारी चीज को खत्म करूंगा और आखिर में तुम्हें। जीने का मकसद जब बदला होता है तो बदला ले लेने के बाद जीने का मकसद खत्म हो जाता है, आदमी अकेला हो जाता है। इसलिए मैंने तुम्हें जिंदा रखा। किस चीज का बदला? क्या किया था मैंने? सब कुछ पहले ही मुलाकात में जान लेना चाहते हो? पेशेंस, ऑल इन गुड टाइम। कहानी भी और कहानी का क्लाइमैक्स भी। मैं नहीं जानता कि मेरी कहानी में तू और तेरी कहानी में मैं क्यों और कैसे आए, लेकिन इतना जानता हूं तेरी ये कहानी का अंत मैं लिखूंगा। और तुम्हारी कहानी का एक एक पन्ना मैंने लिखा है। तुम जो मेरे सामने बैठे हो, तुम अपने दोस्त से मिलोगे, तुम्हारा दोस्त तुम्हें यहां तक पहुंचाएगा। तुम्हारी जिंदगी का एक एक दिन तुम्हारी कहानी में लिखा है। तुम्हें बैंकॉक में ही लेकर आया था। तुम जिस सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करते हो वो मेरे कई कंपनीज में से एक कंपनी है। इतना पैसा, इतना कारोबार, फिर भी मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह अकेला। लेकिन मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। तुम जो मेरे साथ थे 24 घंटे तड़पते हुए, तुम्हारे दर्द ने मुझे जिंदा रखा। तुम्हारा दर्द ही मेरी दवा थी। अब तेरा दर्द मेरी दवा बनेगा। That's the spirit. You are my pain. And I am your pain. Let the worst pain win. दर्द ही दर्द को खत्म करता है। जिसका दर्द ज्यादा होगा वही जीतेगा। ओह, बाय द वे, औरतों के मामले में तुम काफी लापरवाह हो। बीवी को तो नहीं बचा सके और जेनी को भी घर में अकेला छोड़ा है। करना भूल गए। जाओ देखो वो ठीक है। Is she okay? Hello?
मैनर्स। किसी ने तुमको सिखाया नहीं कि रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए। चलो घुटनों के बल जाओ और माफी मांगो। माफी मांगो वरना लड़की मरेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियली? तो फिर यहां मजनू की तरह क्यों आए हो दौड़ते दौड़ते? गुड बॉय, तूने मेरा धंधा बंद कराया साले। अब तू मजा देख। ले डेंटिस्ट रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। गुड जॉब है, मजा आएगा क्योंकि अब दांत निकालने की बारी मेरी है, मगर मैं नहीं। तुम खुद अपने दांत निकालोगे। लव इट, टेक इट। จัดการจะคุยด้วยฮัลโหลอับตูสเกดาตเนคาเลกาออฟคอร์สซาวิธเพลชั่นตุมเอซาคุชไนคาโรเกมซาคาเรฮะซาอิสโกเมเรดาโตคีคีมัตชุกานีปะเดกีเตเรดาโตคีคีมัตอุสแบกเมฮะอัฟโกเมเรคัมซอรีมาลูมเอซาThank you. Half pie. तू बहुत किस्मत वाला है। वो तुझे बहुत चाहता है। इस किस्से को यही खत्म कर, क्योंकि जो हाथ तूने उस लड़की पर लगाया वो हाथ काट के रख दूंगा। फिर तो जुबान भी काटनी पड़ेगी। Steel is up 14 points, Pharma is up 23 points. What is happening? I make 2 million Pharma. Competition badh raha hai, keemtein girengi. Get me IT, Infocom, Airlines, Life Insurance, Hotels, Export is growing. Sell some of my export stocks. No, no, no. I'm not available for any meeting. Main guest ke saath busy hu. Life mein profit se zyada kuch aur cheezein maine rakhti hai. Mujhe na nafe ka lalach hai, na nuksan ka dar. अगर रोज मेरा 1 मिलियन का नुकसान हो तो मेरा दिवाला निकलने में कम से कम 60 साल लगेंगे। 60 years, that means I'll be 95 and broke. I don't mind it. See you. लेकिन शहर से बाहर क्यों? क्योंकि तुम इसके बीच में फंस गई हो। आज तुम्हारी वजह से वो बच गया और मुझे वो फोंग के सामने घुटने टेकने पड़े। तुम मुझे कमजोर कर रही हो, इसलिए तुमको यहां से दूर रहना पड़ेगा। तुम
सर वो दोनों निकल गए हैं, सामान बांध के गाड़ी में कहीं चले गए हैं। उन पे नजर रखो और मुझे खबर करते रहना। परेशानी हो रही है तो मैं दूसरा कमरा भी ले सकता हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं, परेशान तो तुम लग रहे हो। 14 साल से तुम किसी औरत के साथ नहीं रहे। क्या अगर आज तुम्हें वो फोंग मिल गया तो तुम सच में उसका हाथ काट दोगे? हाँ, इसलिए क्योंकि उसने मुझ पे हाथ उठाया। स्कॉलर कह रहा था कि वो मुझे भी मार देगा, तो क्या सच में मार देगा? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी कोई प्यारी चीज हूं, ऐसा वो समझता है। और तुम? जिस चीज को मैंने प्यार किया मैंने उसे खो दिया। मैं और कुछ खोना नहीं चाहता। चल रही है सांसें, बह रहा है लहू। चल रही है सांसें, बह रहा है लहू। फिर भी क्यों नहीं लगता कि मैं जिंदा हूँ, कि मैं जिंदा हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूं, क्या मैं जिंदा हूं। सीने में है क्यों ये जलन, रूह तड़पती है क्यों, धड़कता दिल पूछता है क्या मैं जिंदा हूं, क्या मैं जिंदा हूं। में लगानी चाहिए क्योंकि तुम्हारी मंजिल मैं हूं पाला। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाया हूं, जो तुम करना चाहते थे मैंने कर दिया है।
सिर्फ इसलिए कि तुम इन छोटे मोटे कामों में अपना वक्त जाया ना करो। तुम्हारा हर कदम मेरी तरफ उठना चाहिए। You know, you don't have much time. सिर्फ चार दिन, एक एक लम्हा कीमती है बाला, और काम भी आसान नहीं। But labor omnia vincent, hard work conquers all. मेहनत हर मुश्किल फतेह लाती है बाला। गॉड, मेरा सर फट रहा है। Feels like a bad hangover. William. क्या? William कैसे ऐसे ही होता है? इसका मतलब कि वो यहाँ आया था कल रात और कुछ छोड़ के भी गया है। करना चाहते थे मैंने कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि तुम इन छोटे मोटे कामों में अपना वक्त जाया ना करो। तुम्हारा हर कदम मेरी तरफ उठना चाहिए। यू नो यू डोंट हैव मच टाइम, सिर्फ चार दिन। लेबर ओमनिया विंसेंट। बाला, दिस मैन इज सिक, ही इज साइकोटिक। हमें यहां से कहीं दूर जाना चाहिए। और मेरे 14 साल बदला लेने के बाद क्या होगा? शायद फिर से मैं इंसान बन सकूं। लेकिन बाला, वो ये सब जानता कैसे? मेरा घर, ये होटल, how does he know? मैं जानता हूँ। चलो। मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपना मकसद हासिल करने के लिए कभी कभी बरसों इंतजार करना पड़ता है। बाजार के उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, कंपनियों की खरीद फरोख पर नजर रखनी पड़ती है, कौन किससे हाथ मिला रहा है और कौन अपना भाव बढ़ाने के लिए हाथ मिलाने का नाटक कर रहा है, सब देखना पड़ता है। कहां मैदान खाली है और कहां कॉम्पिटिशन ज्यादा है, उसे ध्यान में रखते हुए हमले की तैयारी करनी पड़ती है। और शिकार पर जाल इस तरह फेंका जाता है कि उसे बिल्कुल खबर ना हो। जब वो शिकारी के रहमो करम पर होता है तब वार किया जाता है, आखिरी वार। लेबर ओमनिया विंसेंट, हार्ड वर्क कॉन्क्वर्स ऑल। मेहनत हर मुश्किल फतेह लाती है।
हाँ बोल वाला जॉय, हमारे स्कूल में कोई रोहित चोपड़ा था? हाँ अपने स्कूल में था, 8 साल जूनियर था वो, उसकी बहन हमारे क्लास में थी ना, रीमा चोपड़ा। रीमा? साले तू रीमा को भूल गया, सबसे ज्यादा तुझे जानना चाहिए रीमा को। याद है स्कूल का आखिरी दिन लुक रीमा चोपड़ा वो बीच वाली। देख ले बाला देख ले, आज तो वैसे भी स्कूल में तेरा आखिरी दिन है, कल तो तू जा रहा है। देख यार। अरे यार इसे तो मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगा सच। हरामी इसे मिस करेगा, हमें मिस नहीं करेगा क्या? बाला जब स्कूल का सबसे बदतमीज का सबसे बेशरम लड़का होने के बाद मैं उसका काम नहीं कर सका, तू तू क्या करेगा बे? जॉय कर दिया तो क्या पॉइंट है? अगर कर दिया बाला तो मैं 15 रुपए हार जाऊंगा। तो लगा शर्त की 15 की। अच्छा अच्छा लगा, चल चल लगा, जल्दी कर जल्दी कर, टाइम नहीं है। Hi. Who are you? Reema Chopra. Yeah. Hi. Bala. Balajit Roy. Hi. What are you doing here? तुम्हें पता नहीं यहाँ boys allowed नहीं है? I know, पर मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता था। मुझसे? अकेले में क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें ये gift देना चाहता था। Gift? Listen, आज से पहले हम दोनों कभी नहीं मिले, और मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती थी, फिर ये gift क्यों? Reema, समझ लो ये gift हमारे दोस्ती की शुरुआत है। दोस्ती? I'm not so sure. Come on, Reema, एक मामली से gift तो है, take it. Listen, I'm getting late, I've got to go. Reema, please, please, this is for you. मैं बहुत प्यार से लिया है, please take it. I don't need it. Please, Reema, please. Okay, fine. Thanks, Reema. खोलोगी नहीं? What? Reema, तुम कुछ अजीब नहीं हो? Reema, तुम imagine नहीं कर सकती मुझे कितनी खुशी होगी. Come on, open it. I told you now, I've got to go. Reema, please open it, please. God. What the hell is this? You like it, no? It's for you. And now, wear that for me. How dare you, huh? Now just go from here. Okay, fine, I'm going. I'll start shouting, go! I'm going, relax, will you? I'm going. And listen, take this shit of yours along with you. Fine, I'm going. Go! I'm going. अब याद है, याद है रीमा चोपड़ा, तू स्कूल का ऑडिटोरियम और वो पैंटी, साला तेरा काम होने के बाद पूरे स्कूल ने ऐश की थी उसके साथ। That Reema Chopra was a bloody whore. Reema Chopra was not a whore. Hello? She was not a whore. Hello, Joy. She was not a whore. Who are you there, Joy? Say she was not a whore. My sister was not a whore. Joy, please talk to me. Joy. My sister was not a whore. No. My sister was not a whore. बाला कहानी का अंत आ गया बाला, स्प्रिंग क्लास पेंट हाउस। वाह
जॉय फर्नांडिस की मौत मैंने नहीं लिखी थी, उसने खुद बुला ली। I'm sorry, बाला। इनको बिजी रखो, तब तक मैं अपने बदन से इनके दोस्त का खून साफ करके आता हूं। मुंबई की याद दिलाता है, वही ट्रैफिक का शोर, वही उमस, वही पसीने में लिपटी हुई कुछ साजिशें, कुछ राज और लहू में लिपटी हुई कुछ कहानियां। तुमने मुझे कहानी कान सुनाने के लिए बुलाया था ना बाला? तुमने गौर किया होगा कि मेरे आदमी का एक भी वार तुम्हारे सर पर नहीं लगा, इसलिए नहीं कि तुम बेहतर फाइटर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने मना किया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी याददाश्त को कोई नुकसान पहुंचे। वो सब झूठ था रोहित, दोस्तों के सामने भाव करने के लिए, शर्त के पैसे जीतने के लिए, मगर झूठ था। मेरी बचपन की छोटी सी गलती के लिए तुमने मुझे 14 साल नर्क में रखा, 14 साल। कहानी वहां खत्म नहीं होती है जहां तुम्हारी याददाश्त खत्म होती है बालाजी रॉय। जब तक मेरे हाथ उस तक पहुंचते, मेरी बहन पूरी तरह जल चुकी थी। दरिंदा बनने में 14 साल लगे, मुझे उस एक रात ने दरिंदा बना दिया। बाहर में तुमसे अपना इंतकाम लेता रहा, मगर अंदर से आज भी एक 8 साल का बच्चा अपनी बहन के लिए चीख रहा है। मैं नहीं जानता था रोहित कि मेरी जबान की छोटी सी लापरवाही का अंजाम कितना भयंकर होगा। छोटी सी लापरवाही? तुम्हारी छोटी सी लापरवाही ने मेरी बहन की जान ले ली और तुम्हें 14 साल के लिए झांडू में भेज दिया। Was it worth it, Bala? Was it worth it? Tell me! आज मैं समझ सकता हूं, इट वॉज नॉट वर्थ इट। लेकिन रोहित, जो कुछ भी मैंने किया ना समझी में किया। आज मैं तुमसे पूछता हूं कि मेरे बचपन की ना समझी की इतनी बड़ी सजा, Did I deserve it? गलत सवाल बालाजीत रॉय, रॉन्ग क्वेश्चन। तुम्हें पूछना चाहिए कि मैंने तुम्हें रिहा क्यों किया। जिसने तुम्हें कैद रखा वो एक 8 साल के बच्चे का इंसाफ था, और जिसने तुम्हें रिहा किया वो एक दरिंदे का इंतकाम है। यहां पर एक मजेदार खेल चलता है। ये लड़की जो बीच में बैठी है एक मासूम सी बच्ची है। ये भीड़ जो बोली लगा रही है उसकी नाथ उतारने के लिए लगा रही है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो उसे यहां तक लेके जाएगा और उसकी मासूमियत छीन लेगा। मुझे इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं है तो होनी चाहिए। क्यों? तुम्हारे
तुम्हारे लिए मेरा एक और तोहफा। मिस्टर एंड मिसेस बालाजी रॉय का सुखी संसार। फिर एक तूफान आया और बालाजी रॉय को उड़ा ले गया। बेचारी पत्नी अपने पति को यह खुशखबरी भी नहीं दे सकी कि वो एक बच्चे की मां बनने वाली है। फिर मैं आया उसकी जिंदगी में तुम्हारा बचपन का दोस्त बनकर। प्रेगनेंसी से डिलीवरी तक मैंने तुम्हारी पत्नी का पूरा ख्याल रखा, किसी बाहर वाले को उसे मिलने नहीं दिया, यहां तक तुम्हारे फैमिली फ्रेंड जॉय फर्नांडिस को भी नहीं। जब तुम्हारी बच्ची एक साल की हुई तब मैंने तुम्हारी पत्नी को मरवा डाला और इल्जाम तुम पर लगाया। उसके बाद मैंने तुम्हारी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया। एंड नाउ शी इज अ 14-year-old यंग गर्ल। आज तुम्हारी बेटी उसी उम्र की है जिस उम्र की मेरी बहन थी जब वो आग में जल रही थी। अब तुम्हारी बेटी भी एक आग में उतरेगी और जो उसकी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वही उसे औरत बनाएगा। साल से मेरे साथ था एक परछाई की तरह, उसे भी मार डाला क्योंकि तुम्हें जिंदा रखना था। तुम्हारी बेटी का तमाशा सिर्फ तुम्हारी आंखों के सामने नहीं पूरी दुनिया के सामने होगा, इंटरनेट पे होगा। मेरी गुनाहों की सजा मेरी बेटी नहीं भुगतेगी, डीवीडीज बिकेंगे, मोबाइल फोन पे होगा। जवाने से तुम्हारी बेटी बचेगी नहीं। मार! मेरी गुनाहों की सजा मेरी बेटी को मत दे रोहित, मेरी बेटी को बचा ले प्लीज प्लीज, मैं तेरे पांव पड़ता हूं, प्लीज मेरी बेटी को बचा ले। मैं जिंदगी भर तेरा गुलाम बनकर रहूंगा, तू जो कहेगा मैं करूंगा, तेरा कुत्ता बनूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को बचा ले प्लीज। मैं अपने हाथ काट के दे दूंगा, मेरी जबान ने गलती की थी ना, ये जबान काट दूंगा। प्लीज प्लीज रोहित प्लीज मेरी बेटी को बचा ले प्लीज। मेरे हाथ छोटे थे, मैं अपनी बहन को नहीं बचा सका, तुम अपनी बेटी को बचा सकते हो। नॉट फेयर, प्लीज 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 रोहित प्लीज प्लीज मेरी बेटी का पता बता दे प्लीज प्लीज प्लीज। अगर बता भी दिया तो तुम पहुंच नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश? ओ बोल गया बोल गया।
पाल के लिए रोहित। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे बेटी का पता कौन बताएगा? मेरी बेटी का पता बता दे रोहित। तुम्हारी बेटी किसी चकले में लुट रही है। She is getting fucked! अपनी बच्ची के लिए तेरी जान बचा सकता हूं रोहित। मेरे जीने का मकसद खत्म हो गया। नहीं 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 रोहित, सिर्फ एक लव्स, एक समझ के दे दे मुझे प्लीज। मेरा आखिरी बार अभी बाकी है। प्लीज रोहित, प्लीज, लास्ट एंड फाइनल ब्लो। डोंट लेट गो रोहित, प्लीज। मैं तेरा इंतजार नर्क में करूंगा। See you in hell. Rohit, please, Rohit! जानती हूं। मुझे नहीं मालूम। Thank you.
ने मेरी बेटी को बख्श दिया, यही उसका आखिरी वार था। शायद उसके भी सीने में दिल था, या शायद उसे मेरी बेटी में अपनी बहन नजर आती थी, और शायद इसीलिए उसने मेरी बेटी का नाम रखा है रीमा। से उलझ पड़ती हैं मेरी आंखें, कोई नहीं है, कोई भी नहीं जो बतलाए मैं कितनी देर उजालों की राह देखूंगा, कोई नहीं है, कोई भी नहीं, ना पास ना दूर, एक यार है
दिल की धड़कन, अपनी चाहत का जो ऐलान किए जाती है, जिंदगी है जो जिए जाती है, खून के घूंट पिए जाती है, ख्वाब कांटों से सिए जाते हैं। अब ना कोई पास है, फिर भी एहसास है, स्याहियों में उलझी पड़ी, जीने की एक आस है, यादों का जंगल ये दिल कांटों से जल थल ये दिल, चुभते कांटे यादों के दामन से चुनता हूँ।